AD200 एंड AD200 प्रो। दोस्तों इससे पहले के एपिसोड में आपने देखा कि AD200 प्रो का स्पेसिफिकेशंस क्या है एंड किस तरीके से आप उसको सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास AD200 है या अगर आप AD200 प्रो लेने की सोच रहे हैं तो क्या ये डिसीज़न आपके लिए सही है या नहीं है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजा अवस्थी और आज हम देखने वाले हैं AD200 वर्सेस AD200 प्रो। ये दोनों फ्लैशेस जो हैं ये अपने आप में अन्यतम हैं, बहुत बहुत ही अच्छे फ्लैशेस हैं। बट आपके लिए कौन सा बेटर है अगर आप नया फ्लैश लेने की सोच रहे हैं या अगर आपके पास AD200 है तो क्या आपको AD200 प्रो में कन्वर्ट होना चाहिए या फिर AD200 प्रो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो बिना लेट किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फ्लैश फोटोग्राफी का चलन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैक्सिमम जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो जनरली आज के डेट में फ्लैश फोटोग्राफी पे आ गए हैं क्योंकि फ्लैश के साथ वो बहुत अच्छा क्रिएटिव शॉट्स कवर कर सकते हैं या फिर ऐसे सिचुएशन में भी फोटो क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे वो सिचुएशन उस कंडीशन के लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर बहुत हार्श धूप है उस समय में अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है तो जनरली हमारा जो फ़ोटो होता है या बहुत ओवर हो जाता है या ओवर एक्सपोज्ड हो जाता है, उस कंडीशन में हम फ्लैश के पावर को एक्स्ट्रा डाल के हम आराम से एम्बियंट को कट करके बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके लिए चाहिए होता है हमें एक बहुत अच्छा और पावरफुल फ्लैश। तो दोस्तों आज इसी क्रम में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग AD200 के बारे में नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है। AD200 मैक्सिमम लोगों के पास आज के डेट में हो चुका है और ये लोगों के बीच का सबसे लोकप्रिय फ्लैश भी बनता जा रहा है या बन चुका है। मैक्सिमम जो फोटोग्राफर्स हैं जिन लोग AD400 प्रो या AD600 प्रो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं AD200 और ये बिल्कुल सही निर्णय भी होता है। बनिस्बत मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप AD400 प्रो लेना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर है कि आप दो AD200 ले लें ताकि आप उसे सिंक करा के एक साथ यूज़ करके जब चाहे तब AD400 जैसा यूज़ कर लें एंड जब चाहे तब AD200 जैसा यूज़ कर लें। बहरहाल आज का जो मुद्दा है ये उस टॉपिक पे नहीं है, आज का मुद्दा ये है कि हमें AD200 लेना चाहिए या फिर AD200 प्रो लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, दोनों की सिमिलरिटी देखते हैं, उसके बाद हम फाइनली टेस्ट करेंगे फोटो शूट करके। हमारे साथ एक मॉडल भी हैं जिनके साथ आज हम फोटो शूट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फ्लैश कितने पावर पे कितना अच्छा काम करता है और ये भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये है AD200 और ये है AD200 प्रो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता है। एंड यहाँ पर इसका जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर देखिए इसका स्मूथ है एंड इसका जो है थोड़ा सा इस तरीके से कॉर्नर जो है वो स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा कॉर्नर इसका हार्ड है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बटन्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मोड का जो बटन है इन्होंने चेंज किया हुआ है। यहाँ पे AD200 में मोड यहाँ पर है, AD200 प्रो में मोड यहाँ पर दिया हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस है, थोड़े थोड़े सिर्फ बटन के ही चेंजेस हैं, बाकी कुछ विशेष बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें कितने बटन हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें लैंप का जो बटन है ये यहाँ पे दे दिया हुआ है, लैंप का बटन अलग से दिया हुआ है। जैसा कि अगर यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले ऑन कर देता हूँ, अगर मैं इसे इस तरीके से ऑन करता हूँ तो अब आपको देखने को यहाँ पे बनेगा कि अगर मुझे इसका लैंप ऑन करना है तो इसमें मुझे लैंप ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे प्रेस करके रखना पड़ेगा। ये देखिए मुझे इसमें अगर लैंप ऑन करना है तो इसे एक बार प्रेस करना पड़ेगा, ये लैंप ऑन हो जाएगा। अब इसे अगर मैं मुझे ऑन करना है तो यहाँ पे लैंप का बटन अलग से दिया हुआ है, तो ये देखिए दोनों के लैंप को अगर मैं ऑन करता हूँ तो AD200 प्रो का जो लाइट है ये थोड़ा सा वाइट है, थोड़ा नहीं बहुत वाइट है, और इसका जो लाइट है ये इतना वाइट नहीं है। तो अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लैंप की लाइट काफ़ी अच्छी है इसकी। एंड उसके बाद मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब अगर मैं इसमें एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं AD200 को यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करता हूँ तो देखिए इसे मैं 1:1 से 1:20 तक लेके जा सकता हूँ इसके स्टॉप को, यानी कि ये 8 स्टॉप तक चलता है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 1:1 से ये 1:1 है, 1:1 से मैं इसे लेके जा सकता हूँ 1:2
256, यानी कि ये 9 स्टॉप को कवर करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लाइट को कवर करने के लिए जो लाइट के स्टॉप्स होते हैं, लाइट को आपको कितनी इंटेंसिटी से मारना है, कितनी इंटेंसिटी से नहीं मारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जनरली अगर आप फुल पावर की बात करें तो दोनों का जो पावर है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों के पावर को कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूँ तो AD 200 प्रो जो है वो उसमें ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें आप जो पावर है उसको 9 स्टॉप तक जा सकते हैं, यानी कि 1:256 तक जा सकते हैं। यानी अगर आपको लगता है भाई कि आप ऐसे किसी कंडीशन में जहाँ पे आपको लाइट बहुत क्लोज, बहुत हल्की चाहिए, बहुत पास से चाहिए, तो आप इस तरीके से उसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके अलावा इसमें और क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी बहुत सारी है, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसका जो रिसाइकिल टाइम है वो फास्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं शूट के दौरान भी आपको दिखाऊंगा, बट यहाँ पर आपको एक बार और दिखाता हूँ। मैं दोनों को 1:1 में सेट कर रहा हूँ, मैंने दोनों को 1:1 में सेट किया है। अब अगर मैं फ्लैश पावर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ, दोस्तों इसका जो फ्लैश का रिसाइकिल टाइम है वो माइनर कुछ सेकंड का है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क है, बट अगर आप कंटिन्यूस शॉट लेने की सोच रहे हैं ऑन कैमरा फ्लैश में या ऑफ कैमरा फ्लैश में, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि भाई हमको फ्लैश की लाइट चाहिए बट शॉट कंटिन्यू चाहिए, तो उस कंडीशन पे आपके लिए AD 200 प्रो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है इसका वो ये है कि इसका जो ये हैंडल है या जिसको अपन क्लैंप बोलें, ये क्लैंप बहुत प्रीमियम दिया हुआ है AD 200 प्रो में, जबकि AD 200 की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही हल्के लेवल का है और ये प्लास्टिक का है। ये मेरा एक बार टूट चुका है, ये मेरा नया हैंडल मैंने मंगाया हुआ है, और कई बार ये इस तरीके से ढीला हो जाता है, बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें इन्होंने प्रॉपर ग्रिप दी हुई है। आप इसे इस तरीके से जब ओपन करेंगे इस वाले जोन में देखिए, रबर की ग्रिप है जो यहाँ जाके बिल्कुल से चिपक जाती है, उसके अलावा यहाँ पे 2 खांचे दिए हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है अगर आपको इस तरीके से शूट करना है। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई हम ये लाइट लें या फिर AD 200 से हमारा काम चल जाएगा, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हम चलेंगे सीधा फोटोशूट की तरफ। दोस्तों कोई भी चीज़ जो लेटेस्ट है या एडवांस है वो डेफिनेटली अपने प्रीवियस वर्जन से कहीं ना कहीं अच्छी ही होगी। हो सकता है कि इसकी जो LEDs हैं, इसकी जो लाइट हैं, इसका जो फ्लैश है, उसमें भी कुछ ना कुछ कंपनी ने चेंज जरूर किया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं इतना डीप नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट ऑन फील्ड जब हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि टेस्ट के दौरान आपको पता चल जाएगा कि क्या स्पेशल है इसमें और क्या नहीं है। मेरे पास भी फ्लैश आज ही आया है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ही ये टेस्ट किया जाए। तो चलिए एक बार चलते हैं फील्ड में और फिर टेस्ट करने के बाद समझ में आएगा कि कितना फ़र्क आ रहा है लाइट में। अगर फ़र्क आएगा तो भी अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं आता है तो हमें कम से कम ये पता चल जाएगा कि भैया AD 200 से भी हमारा काम चल सकता है। बट अभी भी अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप AD 200 प्रो लीजिएगा, क्योंकि AD 200 प्रो नो डाउट थोड़ा सा एडवांस तो है। इसके अलावा आप अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप क्या चेंज करने वाले हैं, तो मैं बोलूँगा जी नहीं, बिल्कुल भी मैं चेंज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये लाइट सेल करके ये लाइट लेनी है तो बहुत इसमें डिफरेंस आ जाएगा पैसों का। सो फिलहाल मैं तो AD 200 ही रखने वाला हूँ, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप AD 200 प्रो ही लीजिएगा, ये मेरी सलाह है। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं फील्ड में टेस्ट करके कि इसकी क्वालिटी कैसी है, कुछ फोटोशूट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि उन फोटोशूट में हमने क्या किस तरीके से सेटअप रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम टेस्ट करने वाले हैं AD 200 प्रो और AD 200 की लाइट को। यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि आप देख सकते हैं जैसा कि वहाँ पे गगन है और राइट हैंड में रोहन के है AD 200 नॉर्मल और लेफ्ट हैंड में है AD 200 प्रो। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे AD 200 प्रो के साथ, और यहाँ पर अभी सनसेट होने में काफ़ी टाइम है, सन काफ़ी हार्श है, हम एक लाइट से कोशिश करेंगे सनलाइट को काटने का। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसमें हाई सिंक कितने अच्छे से हो सकता है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि इस लाइट में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले AD 200 प्रो से हम एक टेस्ट लेके देखते हैं, एक टेस्ट शॉट। यहाँ पे जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी का A7M3, और यहाँ पे जो सेटिंग है, सेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो अभी फिक्स सेटिंग कुछ भी नहीं हुई है, हमने फ़िलहाल 9 का अपर्चर रखा हुआ है ताकि हम सन को डीप कर सकें। तो सन को डीप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप, मैंने ट्रिगर यहाँ से ऑफ़ कर दिया, ट्रिगर ऑफ़ करके मैं एक
एक रॉ फुटेज ले लेता हूँ विदाउट एनी लाइट। तो यहाँ से मैंने जैसे ये एक्सपोज़र लिया तो देखिए यहाँ पे सन जो है वो डार्क दिखाई दे रहा है, मैंने यानी कि सनसेट जैसा सीन दिखाई देगा। अब इसमें सिर्फ हमको फ्लैश फील करना है, तो मैंने फ्लैश की जो इंटेंसिटी है वो 1:1 रखी है। सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं गोडॉक्स AD200 Pro। गोडॉक्स AD200 Pro को जब मैंने 1:1 में दिया तो देख सकते हैं इसकी लाइट काफ़ी हार्श हो गई है, और हार्श लाइट होने के साथ साथ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं सटर स्पीड अपर्चर या इस तरीके से मेंटेन करूं, या फिर मैं इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम करूं। तो यहाँ पे मैं इसे 1:1 ही रखता हूँ और सटर स्पीड फ़िलहाल मैं बढ़ा रहा हूँ। सटर स्पीड अभी मैंने 400 का कर दिया है, ISO मेरा 50 है, और उसके अलावा अपर्चर जो है मेरा वो F9 है। वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया। गगन हाँ इधर ही देखना। तो दोस्तों ये सेटिंग में परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं कैमरे की सेटिंग की बात करूं तो सटर मैंने रखा हुआ है 400, अपर्चर मैंने रखा हुआ है F9 और ISO मैंने रखा हुआ है 50 का। सेम कंडीशन पे अब हम टेस्ट करेंगे गोडॉक्स AD200 के साथ साथ। गोडॉक्स AD200 लाइट को सेट किया जाए, लाइट की इंटेंसिटी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा AD200 Pro और AD200 में कितना फ़र्क है। यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है मेरे बाजू में खींचा हुआ। अगर मैं फ़ोटोग्राफी की बात करूँ, अगर मैं लाइटिंग के क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई दिया, या फिर आप भी देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार बहुत फ़र्क है एंड बहुत उम्दा रिज़ल्ट है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हाँ, अगर आपको AD200 और AD200 Pro में कन्फ्यूज़न है कि आपको कौन सा फ्लैश लेना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज के दौर में आप AD200 Pro ही लीजिएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर एक कि वो अपडेटेड है, वो लेटेस्ट में है, एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्राइसिंग गैप नहीं है। AD200 Pro जो है वो तकरीबन 22,000 रुपये के आसपास का है, और AD200 जो है वो 19,000 रुपये के आसपास का है। तो 2-3,000 रुपये का फ़र्क ज़रूर है, बट अगर मैं उसके क्लैम्प की बात करूँ, जैसे कि मेरा जो क्लैम्प था AD200 का वो एक बार टूट चुका था, तो उस क्लैम्प का रेट ही 2,500 रुपये का है। तो 2,500 रुपये मेरे वैसे भी वेस्ट हो गए। अगर उस समय मैं AD200 Pro ले लिया होता तो फिर ऐसी प्रॉब्लम नहीं जाती। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लेटेस्ट लें, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है गोडॉक्स वाले ने। तो मेरा सजेशन AD200 Pro है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे प्री वेडिंग फोटोग्राफी ऑनलाइन कोर्स को परचेस नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर जाके हमारे प्री वेडिंग फोटोग्राफी ऑनलाइन ट्यूटोरियल या कोर्स को बाय कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत सारे फोटोग्राफी के गुण, एंड आपको एडिटिंग कैसे करना है ये भी उसमें हमने बताया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप लिंक में जाएं या फिर जाएं school.rajavasi.com और वहां पर जाके देखें कि ऑनलाइन कोर्स हमारे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और ये बताइएगा कि आप कौन सा फ्लैश लेना चाह रहे हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।